जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइना की रिसर्च वेसल्स के साथ साथ भारत की शिप्स भी मालदीव पहुंची एक्सरसाइज के लिए। इंडियन नेवी ने डिटेक्ट किया पाकिस्तान की डूबी हुई सबमरीन पीएनएस गाजी का मलबा। सीसीएस ने इंडियन नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के मेगा डील को दिया क्लियरेंस। यूएस के ड्रोन फर्म भारत के डिफेंस मार्केट के लिए पेश करेगी अपनी यूएवी प्रोडक्ट्स। और फिलीपींस बनने जा रहा है भारत के एलसी तेजस फाइटर का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी कि मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय रक्षा मंत्रालय ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 19,000 करोड़ रुपए की एक मेगा डील को साइन करेगी। और इस डील के तहत जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो इंडियन नेवी के लिए एक्सटेंडेड रेंज वाली 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को सप्लाई करेगी, जिन्हें इंडियन नेवी की वॉरशिप्स पर तैनात किया जाएगा। और एएनआई की रिपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि सीसीएस की तरफ से इस डील के लिए फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है। और एंटी शिप ऑपरेशंस के लिए जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो इंडियन नेवी के प्राइमरी वेपन सिस्टम में आती है। और जबकि भारत सरकार ने दूसरी कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करने के लिए $5 मिलियन का टारगेट भी सेट किया है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस का पूरा प्रयास है कि वे ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट टारगेट को 2025 तक पूरा कर लेंगे। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे आप जमीन, हवा, पानी और पानी के नीचे से भी फायर कर सकते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की यही कैपेबिलिटी इसे बेहद ही खास बनाती है, खास करके पानी के नीचे से लॉन्च होने वाले इसकी कैपेबिलिटी। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल कॉम्पिटिशन को मैच करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की जो हार्डवेयर क्वालिटी है उसे और भी इम्प्रूव किए जाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि जहां एक तरफ चीन की स्पाई कम रिसर्च वेसल मालदीव्स के बेहद करीब पहुंच चुकी है, तो इसी बीच भारत और श्रीलंका की वॉरशिप्स भी मालदीव के कोस्ट के पास पहुंचने वाली है, जहां पर वे ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज को आयोजित करेंगे। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत आज गुरुवार की सुबह से हो चुकी है। और इस ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती 16। और इसमें भारत, मालदीव्स और श्रीलंका की कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जबकि बांग्लादेश इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल रहेगा। और ये जो एक्सरसाइज है 22 फरवरी से 25 फरवरी तक जारी रहेगी। और मालदीव ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है तीनों देशों के बीच मिलिट्री कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना और आगे एक साथ काम करने के और भी अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर करना। अमेरिका के एक लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर जिसका नाम है स्काईडियो, तो इनकी तरफ से भारत में कॉमर्शियल ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस करने वाली योजनाओं की अनाउंसमेंट की गई है। और जबकि उनका करंट फोकस भारत में डिफेंस से संबंधित यूएवीज को लेकर भी है। इस कंपनी ने अभी हाल ही में एक इंडियन फर्म जिसका नाम है एरोआर्क, तो उनके साथ पार्टनरशिप करी है। और इस पार्टनरशिप के तहत वे इंडो पैसिफिक रीजन में अपने डिफेंस कस्टमर्स के लिए भारत में यूएवीज को मैन्युफैक्चर करेंगे। और जबकि इससे पहले पिछले साल बेंगलुरु में इसका आईडियो ने अपने एक R&D सेंटर को भी स्थापित किया था। और कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक वे इनिशियली डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ नई मार्केट में एंटर करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनका उद्देश्य है डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ साथ नॉन मिलिट्री और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी अपने आप को एक्सपेंड करना। और वर्तमान समय में वे तीन तरह के मेन मार्केट सेगमेंट्स पर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट और डिफेंस, पब्लिक सेफ्टी और इंस्पेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी इंडियन फर्म एरोआर्क के साथ जो उनकी पार्टनरशिप है तो उसके तहत वे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और बाकी के ग्लोबल डिफेंस कस्टमर्स के लिए स्मॉल अनक्रूड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट का एम रखते हैं। और वे इस पूरे मामले पर भारत में निवेश करने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक हैं और अपने इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर क्रिटिकल डुअल यूज प्रोडक्ट्स को विकसित करना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत और ग्रीस डिफेंस आइटम्स के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की तरफ काम करने के लिए सहमत हुए हैं, और जिसके तहत दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगी। वैसे आपको ध्यान होगा कि ग्रीस की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए उनके सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर्स के ऑफर भी दिए गए। तो पाकिस्तानी नेवी की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पीएनएस गाजी एक बार फिर से चर्चा में है। इसे आप पाकिस्तानी नेवी की सबसे एडवांस अटैक सबमरीन कह सकते हैं, जिसका एंड्योरेंस टाइम इतना खतरनाक है कि 1971 में पानी के नीचे गई थी और तब से बाहर ही नहीं आई है। पर खैर, मजाक से हटकर बात करें तो पीएनएस गाजी जो कि 1971 के वॉर के समय इंडियन नेवी के वॉरशिप के साथ हुए एनकाउंटर में पानी में डूब गई थी हमेशा के लिए, तो इस सबमरीन का जो मलबा है उसे इंडियन नेवी की DSRV यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल ने डिटेक्ट किया था। और यूरेशियन टाइम्स के साथ बातचीत में इस बात का कंफर्मेशन इंडियन नेवी के सर्विंग ऑफिशियल की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि डूबी हुई इस पाकिस्तानी सबमरीन का जो मलबा है तो वो विशाखापट्टनम के तट से कुछ दूरी पर मिला था और उसे पूरी तरह से स्कैन किया गया, लेकिन इंडियन नेवी ने फॉलन नेवल पर्सनल के सम्मान के भारतीय नौसेना की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इसे अनटच्ड छोड़ दिया। और जब से न्यूज़ बाहर आई है तब से ही पीएनएस गाजी फिर से चर्चा में आई है। हालांकि पीएनएस गाजी एग्जैक्टली किस वजह से डूबी थी तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि ऑफिशियल इसके बारे में आज तक खुल की डिटेल सामने नहीं आई है। और आपको पता होना चाहिए कि 1971 के समय पीएनएस गाजी पाकिस्तानी नेवी की एकमात्र सबमरीन थी जो कि भारत के ईस्ट कोस्ट पर पहुंच पाई थी।
और उसे भेजा गया था भारत के INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो शिकार करने आई थी पर खुद शिकार हो गई। हालांकि PNS गाजी एक्चुअल में किस वजह से डूबी थी तो उसको लेकर कई अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया जाता है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि जब इंडियन नेवी के INS राजपूत ने डेफ चार्ज फायर किया था तो उसके हिट की वजह से गाजी डूबी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बताई जाती है कि PNS गाजी ने जो माइंस बिछाई थी तो किसी तरह से वो अपनी माइंस में खुद ही फंस गई और इससे एक्सप्लोजन हुआ और PNS गाजी उसमें डूब गई, और ये वो पॉसिबिलिटी है जिसे पाकिस्तानी नेवी बिलीव करती है। इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी जो है उस पर ये कहा जाता है कि PNS गाजी ने पहले इंडियन नेवी की INS राजपूत को डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन PNS गाजी के टॉर्पेडो में किसी तरह का मालफंक्शन हुआ जिससे वो सबमरीन के अंदर ही एक्सप्लोड हो गया था। और जो चौथी पॉसिबिलिटी है जो कि डिस्कस होती है तो वो है PNS गाजी के अंदर हाइड्रोजन बनने वाली प्रॉब्लम। हालांकि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा सही है और एग्जैक्टली PNS गाजी किस वजह से डूबी तो उसका तो आज तक कोई भी ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं आया है। बाकी इस पर आपके जो विचार है आप उसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। 25 फरवरी से 9 मार्च तक राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और जापान की आर्मीज अपने बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन के 5वें एडिशन को आयोजित करेगी, और इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की आर्मीज अपने बीच के तालमेल को बढ़ाएगी और UN मैंडेट के तहत सेमी अर्बन एनवायरमेंट में जॉइंट टैक्टिकल लेवल ऑपरेशंस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के कमांडर ने टाइगर डिवीजन की ऑपरेशन प्रिपेयरनेस की समीक्षा की है, और जबकि कल 21 फरवरी को वेस्टर्न कमांड के पाइन वॉरियर्स ने अपने टैक्टिक्स टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को और भी इन्हेंस करने के लिए किलाहरी एक्सरसाइज को आयोजित किया था। और बाकी अगर आप भी अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ई मैगजीन साबित हो सकती है, और जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फिलीपींस LC तेजस फाइटर्स की डील को लेकर अपनी फाइनल स्टेज में है, और फिलीपींस के नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट का टेक्निकल वर्किंग ग्रुप LC तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर HAL के साथ बातचीत कर रहा है, और HAL ने ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ फिलीपींस के लिए LC तेजस मार्क 1 फाइटर का ऑफर पेश कर रखा है। और इतना ही नहीं बल्कि फाइटर जेट्स की असेंबली फिलीपींस में ही करने के लिए HAL लोकल पार्टनरशिप को भी स्थापित करने के लिए सहमत है, और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि फिलीपींस का जो होरिजन 3 एक्विजिशन वाला प्रोग्राम है तो इसके तहत भारत को जैसी कैपेबिलिटीज फिलीपींस को ऑफर कर सकता है जो कि फिलीपींस के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरा कर पाएंगी। बाकी उम्मीद करेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स की तरह फिलीपींस LC तेजस का भी पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बने। और इसी उम्मीद के साथ आप बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 2004 में मेघालय में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सम्राट मैती वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1995 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन साहिल शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और हमारे इस वीर को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1947-48 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नौसेरा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बटालिया वीरगति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि गगनयान मिशन की अनमैन्ड फ्लाइट में जिस रोबोट को भेजा जाएगा तो उस रोबोट का नाम क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर पाएं 50% डिस्काउंट। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।